यो बड़ी क्या आप सभी का। और गाइस मैं आप सभी लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो कैसे वेपन ग्लोरी का जो स्कोर होता है उसको कैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ाओगे। और गाइस अगर आप लोग सच में यार वेपन ग्लोरी पे इंडिया पे जाना चाहते हो, टॉप वन पे जाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो ट्रिक देने वाला हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपका वेपन ग्लोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो देखो अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मेरा प्रोफाइल देखो, मैं यहाँ पे एम पर वन में गाइस क्या हूँ, यहाँ पे इंडिया टॉप नंबर वन पे हूँ। देखो गाइस यहाँ पे जैसे देखोगे तो मैं यहाँ पे इंडिया टॉप नंबर वन पे हूँ एम फॉर वन में। अब देखो गाइस यहाँ पे मेरा आईडी जो है 7 दिनों के लिए बंद भी हो गया था क्योंकि मेरा रैंक ब्रॉन्ज हो गया था। तो गाइस क्या हुआ था, मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट में चला गया था, जिसके कारण क्या हुआ था गाइस मेरा वेपन ग्लोरी काफ़ी नीचे चला गया था। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा गेम नहीं खेलोगे तो भाई आपका वेपन ग्लोरी यहाँ पे घटते रहता है, क्योंकि नीचे वाला जो बंदे होता है ना वो प्लस करते रहता है, आप लोग जो है ना नीचे चले जाओगे। लेकिन गाइस यहाँ पे फिर 7 दिन के बाद आया, फिर भी मैं यहाँ पे टॉप वन पे जाके बैठा हुआ, आप लोग यहाँ पे देख लो। तो गाइस कौन सा मैं ट्रिक यूज करता हूँ जिससे आपका मतलब अपना वेपन ग्लोरी इतना बढ़ता है, तो मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका वेपन ग्लोरी बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ेगा। सो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना है, और भी भाई लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस साथ में घंटों को भी दबा देना। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका वेपन ग्लोरी कैसे बढ़ेगा। गाइस जैसे कि देख लो यहाँ पे जैसे आता हूँ मैं रैंक पे और वेपन ग्लोरी पे आता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना बिहार में भी हूँ, पटना में भी हूँ, और गाइस इंडिया टॉप वन पे भी हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टॉप वन पे मेरा ही नाम है, और गाइस मेरा यहाँ पे क्या है गाइस टॉप वन पे अभी भी हूँ, क्योंकि देखो गाइस मेरा आईडी जो है ना ब्रॉन्ज हो गया था, ब्लैक लिस्ट हो गया था। तो गाइस मेरा गेम ना 7 दिन तक नहीं मतलब चल रहा था, मैं सीएस रैंक नहीं खेल पा रहा था, नहीं बीआर रैंक खेल पा रहा था, नहीं टीम अप मतलब टीम नहीं बना पा रहा था। उसके बाद मैं आया तो गाइस मैं जानते हो अब मैं 7वें नंबर पे आ गया था, ठीक है। जैसे मेरा आईडी खुला ना, जब तक मैं 7वें नंबर पे आ गया था, उसके बाद क्या किया गाइस फिर मैं यहाँ पे आईडी खुल गया, उसके बाद मैं खेला, उसको जैसे देखोगे तो यहाँ पे मैं टॉप वन पे आ गया, बाकी सब मेरे नीचे है। तो गाइस मैं कौन से ट्रिक यूज़ किया जिससे मेरा इतना वेपन ग्लोरी बढ़ा है, तो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो गाइस सबसे पहले आप लोग ये समझो, बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट भी करता है भाई वेपन ग्लोरी एक गेम में कितना बढ़ता है, 500 बढ़ता है, 200 बढ़ता है या कितना बढ़ता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग समझो आप लोगों का वेपन ग्लोरी कैसे बढ़ता है, ठीक है। गाइस जैसे कि अगर आप लोग जो सीएस रैंक खेल रहे हो, और गाइस अगर आप लोग कोई भी गन का वेपन ग्लोरी लेना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ता है वेपन ग्लोरी के लिए, सबसे पहले समझो आपको जो ना एक किल करोगे तो आपको क्या होता है यहाँ पे 40 वेपन ग्लोरी मिलता है, स्कोर जो होता है वो 40 आपका स्कोर मिल जाता है एक किल पे। और गाइस जिससे 2 किल करते हो तो फिर आपका यहाँ पे क्या होता है 80 मिल जाता है, 40-40 आपको 80 यहाँ पे वेपन ग्लोरी मिल जाता है। तो भाई आप लोग बोलोगे कि भाई मैं 5 किल करूँगा तो यहाँ पे मेरा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अब देखो गाइस आपका वेपन ग्लोरी का भी लिमिट है, आप लोग जो एक गेम में बस 80 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं ले सकते हो। आप चाहे 10 किल करो या 20 किल करोगे, कितना भी किल करोगे आपको सिर्फ 80 ही मिलेगा। तो देखो आपको क्या करना है गाइस, आपको कोई भी गन का वेपन ग्लोरी बढ़ाना चाहते हो, आप लोग समझ लो मैं जैसे कि एम फ्रंट लेके खेलता हूँ, तो गाइस मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे 2 किल करता हूँ। 2 किल करने से क्या होता है गाइस मेरा यहाँ पे वेपन ग्लोरी का जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं किल करूँ या ना करूँ, मुझे यहाँ पे अपना 80 का वेपन ग्लोरी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि एक गेम में कितना मिलता है, भाई बताओ यार कैसे वेपन ग्लोरी बढ़ता है। तो देखो गाइस काफ़ी सिंपल है, आपका जो एक गेम में 80 मिलता है, जिसको 80 लेने के लिए आप ना आपको 2 किल करना होता है। अगर आप लोग 1 किल करोगे तो 40 ही मिलेगा, और 2 किल करोगे तो आपका 80 यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो गन का मतलब वेपन ग्लोरी बढ़ाना चाहते हो ना, उसको उससे ना आपको 2 किल करना है, जिससे आपका वेपन ग्लोरी का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग वो गन को चला भी सकते हो, अगर आप लोग नहीं चलाते हो तो भाई छोड़ भी देना, क्योंकि देखो भाई अगर आप लोग वो गन को लेकर बार बार अगर आप लोग मरते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका वेपन ग्लोरी भी माइनस हो जाता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं जिसे मतलब खेलता हूँ तो मुझे मालूम चला कि भाई मरने पर भी वेपन ग्लोरी बहुत ही कम मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। और गाइस अगर आप लोग सीएस रैंक गेम को जैसे कि मान लो 2 किल तो कर दिया आप, ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप लोग वो गेम को हार जाओगे ना, तो फिर क्या होता है गाइस आपका वेपन ग्लोरी पूरा फुल नहीं मिलता है। उसके लिए देखो गाइस अगर आप लोग का वेपन ग्लोरी एकदम 100% अगर चाहिए, 80 चाहिए, तो आपको जितना भी पड़ता है गेम को तभी आपको 80 मिलता है। मैं यहाँ पे भी देखा हूँ कि भाई अगर आप लोग गेम हारते हो ना, तो फिर क्या होता है आपका पूरा फुल यहाँ पे 80 नहीं मिलता है गाइस। मेरे को लगा भाई गेम हारने के बाद मैं देखा तो मुझे उतना नहीं बढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है, आप लोग वेपन ग्लोरी बढ़ाने के आप लोग गेम जीतना पड़ेगा, और गाइस आपको एक गेम में ना कम से कम 2 किल करना है तभी आपका वेपन ग्लोरी मिलेगा। उसके साथ में ना आपका मतलब आप लोगों को ना गेम कुछ ज़्यादा खेलना होगा, जिससे क्या होगा 80-80 करके आपका वेपन ग्लोरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ, अगर ये ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा या क्या होता है आपका वेपन ग्लोरी बढ़ता है।
तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। और गाइस फीमेल देखो नया वीडियो के साथ, तब तक गाइस आप लोग अपना ख्याल रखना।